हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो अगर आपने Redmi Note 6 Pro लिया है और आप एक MI यूजर नए हैं, ठीक है, और आप MI UI को नहीं जानते हैं, तो यहां पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है। वरना अगर आप MI UI के पहले से यूजर हैं, तो इस वीडियो में आपको दो ही तीन ट्रिक्स ऐसी लगेगी जो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये आपको नहीं पता था, लेकिन बाकी सारे जो है आपको लगेंगे कि आपको पता थे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बाद में मत बोलना कि मैंने आपका टाइम जो है वेस्ट कर दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो यहां पर हम सारे बेसिक नहीं, थोड़े प्रो लेवल के जो भी मतलब टिप्स हैं इसके बारे में उसको मेंशन करेंगे, और कुछ जो है हिडन है अभी तक वो भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो स्क्रीन ऑफ हो गया था, सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं नॉच की। तो अभी मेरे जो वॉलपेपर है करंट, इसमें आपको नॉच पता नहीं चल रहा होगा, बट ऊपर नॉच है भाई, ठीक है, ऊपर नॉच है। अब दिखाता हूं मैं कैसे, रुक जाओ, स्क्रीन लॉक। अब देखो, नहीं यहां अभी नॉच नहीं दिखेगा, नॉच दिखेगा जब मैं ऐसे खोलूंगा। नहीं यार, कैसे खोलूंगा, हाँ चलो ऐसे आ जाते हैं। तो अब आपको ऊपर का नॉच दिख गया। अब सपोज दैट कि अगर आप नॉच हटाना चाहते हैं, ठीक है, एकदम हाई लेवल से लेके चल रहा हूं, फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आते हैं, यहां पे एक ऑप्शन आप देखोगे हाइड नॉच, इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो नॉच हट जाएगा, स्क्रीन नीचे हो जाएगी और इतना बड़ा आपका स्क्रीन जो है देखने को हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं फुल स्क्रीन डिस्प्ले की, तो मैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले प्रीफर करता हूं यूज करना, तो मैं उसको इनेबल करूंगा। अब फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो है इन सारे एप्स में काम करेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे एप्स हैं जिनमें ये ठीक से काम नहीं करेगा, लाइक वो यहाँ पर है PUBG, पावर डायरेक्टर वगैरह वगैरह, ये आप देख सकते हो। हालांकि आप इसमें इनेबल कर सकते हो, बट ये अच्छे से काम नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। खैर जो भी है, तो हम लोग जो है फुल स्क्रीन इनेबल कर देते हैं अपने फोन में, और ये देखो फुल स्क्रीन नॉच बंद करने के बाद, इनेबल करने के बाद इनेबल होगा फुल स्क्रीन मोड। और यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है फुल स्क्रीन का, पता नहीं, ओ सॉरी यहाँ पर है, मैं भूल गया था यार। तो डोंट शो अगेन और लर्न, चलो यहाँ पे देखो एक लर्निंग स्टेप है, ये बताता है कि कैसे कैसे क्या होता है। ये मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे ऐसे आपको उठाना है, ठीक है, स्वाइप बॉटम टू क्विक नोटिफिकेशन खोलने के लिए इस तरह से लेके जाना है। रुको यार, जा क्यों नहीं रहा है, अच्छा ऐसे करना है, सॉरी, मतलब वो होम स्क्रीन में जाने का तरीका था। स्वाइप फ्रॉम द बॉटम टू अप पाउज, ठीक है, ऐसे करके रोकना है तो आपका जो है नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा। उसके बाद राइट से स्वाइप करोगे एजेस पर से तो बैक हो जाएगा, लेफ्ट से भी करोगे तो भी बैक हो जाएगा। ये दोनों बैक करने के लिए आई एम डन। उसके बाद देखो मेरा फुल स्क्रीन गेस्चर जो है ऑन हो गया, एनिमेट द गो बैक गेस्चर, उसके बाद डबल चेक द गेस्चर, हाइड स्क्रीन नॉच, आप अभी हाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कुछ और जो है फिर से ऑप्शन आपको शो कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं अब मेरा फोन जो है फुल स्क्रीन पे वर्क करेगा यहाँ से। इसके अलावा मैं ये वाली और कुछ और वॉलपेपर्स की लिंक मेंशन कर दूंगा, जिसको यूज करने के बाद पता ही नहीं चलता है भाई कि कौन सा मतलब नॉच है आपका, मतलब नॉच है भी के नहीं है। तो दो चीजें मैंने मेंशन कर दी। अगला है फेस अनलॉक। तो जी हाँ, इस फोन में आपको फेस अनलॉक भी मिल ही जाता है, ये हटा देता हूं मैं, अब फेस अनलॉक मिल जाता है यहां पर। आप अगर जाओगे सिक्योरिटी के अंदर, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करने का ऑप्शन है, जहां आप 10 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे मैंने 2 फिंगरप्रिंट ऐड किया हुआ है, सॉरी डिस्प्ले से बाहर चला गया था, 2 फिंगरप्रिंट ऐड किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड लगा सकता हूँ, ऐप पे भी लॉक लगा सकता हूँ, फिंगरप्रिंट पेमेंट कर सकता हूँ, यानी कि कोई पेमेंट वाला जो ऐप होगा वहां पे मेरा फिंगरप्रिंट आएगा तभी वो जो है काम करेगा। तो अच्छी चीजें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मैं लेके आया था आपको फेस डाटा पे, तो मैंने अभी तक फेस डाटा लगाया नहीं था, इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, ऐसे लेके जाना है आपको। उसके बाद इसमें जो है कुछ लिखता है, उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं बता दूंगा क्या है। उसके बाद फ्रंट कैमरा खुलेगा, कुछ देर मुझे स्कैन करेगा और ये डन, अब ये फेस अनलॉक जो है मेरा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है जो आपको देखनी है, वो ये है अलाउ फेस अनलॉक व्हेन स्क्रीन लाइट अप, यानी जैसे स्क्रीन जो है लाइट अप होगा वैसे ही ये फेस डाटा डिटेक्ट करके जो है फोन को अनलॉक कर देगा, या फिर आप इस चीज को ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मुझे इसका फेस जो है उतना फास्ट जो है एक्यूरेट नहीं लग रहा है, आई थिंक MIUI 10 पे जाने के बाद जो है ये एक्यूरेट हो जाएगा, जैसे कि Redmi Note 5 Pro का भी बहुत तेज चलता है, मतलब ये जो होम स्क्रीन है ना बीच का, ये दिखता ही नहीं है Redmi Note 5 Pro में, जरूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जो है फेस अनलॉक हो जाता है। स्पेशली इसमें कोई भी हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है आपके डुअल कैमरा में, मतलब लो लाइट कंडीशन में पावर देने के लिए इंफ्रारेड वाला, जो कि आपको पोको फोन में देखने को मिलता है।
उसके बाद यहाँ एक और चीज है क्विक बॉल नाम से, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आएगी। मेरा भाई उसको बहुत शौक से यूज करता है बट मुझे पसंद नहीं आती है, तो वो आपको मिलेगी यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ देखेंगे क्विक बॉल एक छोटा सा बॉल डिस्प्ले पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक सेलेक्ट शॉर्टकट्स, क्या क्या चाहते हो आप उसके अंदर, होम, मेन्यू, लॉक स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, बैक, इस तरह के ऑप्शन आप उसमें इनेबल कर सकते हो। उसके बाद प्रीफर्ड गेस्चर, टू कौन सा गेस्चर, स्वाइप, टैप, जो भी चाहो आप यहां से उसमें यूज कर सकते हो और अपना उसको यूज कर सकते हो। यहां देखो ये यहां पर जो है मेरा क्विक बॉल इनेबल हो गया है, तो देख ले रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। मैं क्विक बॉल पसंद नहीं करता हूं इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब इसके अलावा एक और चीज है, मान लो कि ये नया है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ डिलीट करना है, ऐसे सेलेक्ट किया, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे उंगली खींचते जाओ आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको आप डायरेक्ट यहां से कट, कॉपी, डिलीट, पेस्ट, जो चाहो वो कर सकते हो। ये नया चीज है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है ऐप का, तो ये अभी नहीं मिला है, वो छोड़ दो, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। उसके अलावा कैमरा के अंदर एक फीचर है कि अगर आप कोई भी फोटो खींचते हैं तो साथ ही साथ आप उसका जो है लोकेशन चेंज सेव कर सकते हैं कि कहां पर ये फोटो आया है। डुअल कैमरा का जो वाटरमार्क आता है फोटो खींचने के बाद, यहां पर जैसे कि आप देखोगे रेडमी नोट 6 प्रो इस तरह का जो आता है, इसको कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। हटाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यहां पर डुअल कैमरा ऐप वाटरमार्क जो है इसको आप डिसेबल कर देंगे। उसके बाद यहां पर टाइम स्टैम्प भी दे सकते हैं, लाइक मैंने यहां पे टाइम स्टैम्प इनेबल करता हूं, एक सेकंड। और एक ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मैं इसकी फोटो लेता हूं। अब इसकी फोटो लेने के बाद क्या होगा कि डेट एंड टाइम भी मेंशन हो जाएगा कि कब ये लिया गया है, तो ये मुझे देखने में और ज्यादा बकवास लगता है इसलिए मैं इसको जो है यूज नहीं करता हूं, ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूं। और उसके बाद यहां पे है शो ग्रिड्स, तो लाइनिंग वगैरह आएगी स्क्रीन पर, ठीक है, एंगल सेट करने के लिए आपके, क्या आप फोटो जो है सही से ले रहे हो कि नहीं, तो मैं इसे भी जो है यूज नहीं करता हूं। फोकस एंड शूट का ऑप्शन है, यानी कि आप फोकस पे क्लिक करो और उसके बाद वो जो है वहां पर दोबारा क्लिक करो, सेल्फी आ जाएगी या जो भी है फोटोज आ जाएंगे, तो मैं इसे यूज करता हूं। स्कैन QR कोड्स, इसके थ्रू कैमरा के थ्रू आप अपने स्कैन कर सकते हैं QR कोड्स, सेव ओरिजिनल फोटो एज वेल, यानी कि फोटोज को आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद बर्स्ट मोड है, कैमरा फ्रेम रेट आप यहां से चाहें तो 4:3 जो है 4:3 या 16:9 जो है उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी यहां से चुन सकते हैं, मैंने हाई किया हुआ है। यहां पे फिंगरप्रिंट शटर अगर आप ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप कोई फोटो खींचना चाहते हो तो बस आपको फिंगरप्रिंट पर टैप करना है इस तरह, और फोटो जो है खींचती चली जाएगी। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो मैंने बैक टू बैक 2-3 फोटोज जो है क्लिक कर दी, ठीक है। उसके बाद और कुछ है ऑप्शन यहां पर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे है प्रेस एंड होल्ड शटर बटन, ये जाने दो, वो हो गया, और कैमरा फ्रेम हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया। उसके बाद वॉल्यूम से भी आप जो है फोटो कर खींच सकते हैं या फिर वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या जूम वगैरह कर सकते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल से इनेबल होता है, वो भी यहां पे है। सेचुरेशन, शार्पनेस और बाकी यहां पे अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सीधा रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर यही चीज मैं आपको फ्रंट कैमरा में लेके जाऊं तो फ्रंट कैमरा में भी यहां पे जो है सेटिंग्स वो अप्रोक्सीमेटली वही सारे हैं, कुछ आपको जो है अलग जो है यहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वीडियो कैमरा में आप जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, ठीक है। वीडियो कैमरा में क्या अलग मिलेगा, यहां से आप अपना जो है वीडियो क्वालिटी चूज कर सकते हैं, टाइम लैप्स इंटरवल जो आप चाहो उसके अंदर चूज कर सकते हो स्लो मोशन वगैरह वीडियोस लेने के लिए। इसके अलावा कैमरा साउंड, पॉकेट मोड, सेफ प्रीवियस मोड, इस तरह के जो है छोटे मोटे फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अब मैं आपसे बात करूं, यार मैंने बहुत कुछ बता दिया। हाँ, इसके अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है अब यहां पर कि अगर आप कोई भी मतलब कॉल पे बात कर रहे हो किसी से भी, तो बिना किसी बटन प्रेस किए सारे के सारे कॉल्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इस तरीके को इनेबल करने के लिए आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ सिस्टम एप्स के अंदर, सिस्टम एप्स के अंदर आपको कॉल सेटिंग में जाना है। यहां पे कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली, इसको आप सेट कर सकते हैं या फिर सेलेक्टेड नंबर लाइक अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर सेट कर सकते हो, या मतलब किसी आदमी का जो सेव करना हो तो वो आप यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है जो मैं पहले बता चुका था, हाँ नहीं बताया मैंने, सिक्योरिटी ऐप के अंदर मिलेगा आपको, तो मुझे सिक्योरिटी ऐप ढूंढना पड़ेगा। सिक्योरिटी ऐप कहाँ है भाई, जहां कहीं पे भी है सिक्योरिटी ऐप, रुको ऐसे ढूंढ सकते हैं, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं आप, SECU, हाँ मिल गया। इस तरह से भी आप अपने ऐप्स को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी ऐप है। अब इसके अंदर बूस्ट स्पीड वाला एक ऑप्शन आता है, और सबसे मजेदार चीज जो इसके अंदर मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं वो है गेम बूस्टर। गेम स्पीड बूस्टर ऐप के थ्रू जो है आप D&D वगैरह लगा सकते हो, लाइक गेम खेलने के टाइम पूरा परफॉर्मेंस गेम के ऊपर होगा, यानी जितनी भी उसकी CPU की पावर है वो सारा सारा गेम को प्रोवाइड करेगा, साउंड, नेटवर्क, स्ट्रेंथ, सब कुछ जो है गेम को प्रीफर करेगा। इस चीज को आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा
अब तो हो गया बेसिक चीजें। यहाँ पे एक सेटिंग्स है, इस तरह से क्लिक करके आप इसको क्लियर कर सकते हो। यहां से आप इसको स्प्लिट स्क्रीन जो है ऑन करके, टैब करके, मतलब दो चीजें एक साथ जो है एक ही विंडो में यूज कर सकते हो, कुछ नहीं भी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे थे वहां शो कर रहा था कि भैया ये तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे, और अगर आपको कोई भी वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है तो आप वो होम स्क्रीन से भी कर सकते हो और अंदर सेटिंग से भी कर सकते हो। अबाउट फोन वगैरह में यहाँ पे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आता है, जिससे कि आप सारे अपडेट्स जो है अपने फोन के कर सकते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। अगर मान लो कि आपको अपने फोन का जो है बूट, ये क्या बोलते हैं, डेवलपर ऑप्शन खोलना है, तो सिंपली आपको जो है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच पे जो है आपको, कौन सा बटन था यार, किस पे क्लिक करना था, कोई वर्जन है, MIUI वर्जन, सॉरी, तो बन गया आप डेवलपर, ठीक है। उसके बाद सिम कार्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप अपने जो है सिम कार्ड नेटवर्क वगैरह प्रोवाइडर को सेट कर सकते हो। ब्लूटूथ पोर्टेबल हॉटस्पॉट, पोर्टेबल हॉटस्पॉट में इसमें एक नया फीचर दिया गया है कि आप एक ही टाइम पर नेटवर्क किसी से लेके किसी और को भी दे सकते हो वाईफाई का। ये एक्चुअली रेडमी नोट 5 प्रो का ही फीचर है, बट इस टाइम रेडमी नोट 6 प्रो में उनको प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इस फीचर को जो है उन्होंने मेंशन कर दिया, तो मैं भी मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मिलता है। खैर, उसके बाद डिस्प्ले में आ जाते हैं। यहां से आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल वगैरह सेट कर सकते हो, स्क्रीन येलो मोड ऑन कर सकते हो, यानी रीडिंग मोड, इसको अक्सर ऑन रखा करो, आंख पे जोर जो है कम पड़ता है। उसके बाद डबल टैप टू स्क्रीन वेकअप का ऑप्शन यहीं पे आता है, वहां से आप इनेबल कर सकते हो। यहां से आप अपना वॉलपेपर वगैरह चूज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। थीम के अंदर आएंगे तो ये सारे आपको थीम मिलते हैं। फाइंड मोर थीम पे क्लिक करके आप जो है थीम स्टोर में जाके नए नए थीम जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टम थीम भी डालने का ऑप्शन आता है इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा अगर आप कमेंट में मुझसे पूछ लो तो, ठीक है। एटलीस्ट 5 लोग पूछेंगे तो मैं उसके बारे में सोचूंगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। उसके बाद लॉक स्क्रीन के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो अगर आप वॉल्यूम डाउन ट्वाइस करते हैं, दो बार वॉल्यूम डाउन बटन दबाते हैं, तो कैमरा खुल जाएगा लॉक ही स्क्रीन में, और भी कई सारे एडवांस फीचर्स जो है आपको यहाँ पे शॉर्टकट में मिलते हैं लॉक स्क्रीन के। सेकंड स्पेस अगर मैंने इनेबल कर दिया तो एक फोन के अंदर दो आत्मा घुस जाएगी, लाइक ऐसा वाला फीलिंग आएगा आपको, ठीक है, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, तो उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्विक बॉल मिल जाता है, बटन एंड गेस्चर शॉर्टकट मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, वो वाले ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वन हैंड मोड मिलता है, यानी कि स्क्रीन जो है आपका 3 इंच का हो सकता है, 5 इंच का हो सकता है, 6 इंच का हो सकता है, जैसा आप चाहो वैसा हो सकता है। उसके बाद अगला जो है डेवलपर ऑप्शन मैंने खोल दिया, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बैकअप एंड रीसेट के ऑप्शन है, आप अपने फोन को बैकअप वगैरह कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, और MI मूवर से एक फोन का डाटा दूसरे फोन में जाता है। तो इसके अंदर ओवरऑल यही सारी चीजें थी, और कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अगर मुझसे कुछ छूटा है जो कि बहुत मजेदार ट्रिक हो तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में पसंद आया, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को दबाइए, और इस आदमी का मुंह देख के यार मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।